हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ माय वीडियो दैट इज इजी इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एक प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैं कवर करूं, ताकि आप लोग जो भी यूपीएससी के लिए या स्टेट सर्विसेज के लिए या बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल पाए। और स्टूडेंट, मैंने जनवरी 2019 से अर्थव्यवस्था की समसामयिकी को उठाने की कोशिश की है। हम वहां से 2019 के जनवरी से लेकर के चलेंगे, और जब मैं 10 सीरीज खत्म कर लूंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इन सभी पर बेस्ड एमसीक्यू की श्रृंखला लाऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि आपकी तैयारी और उम्दा हो सके। तो चलिए देखते हैं हम अपना करंट पार्ट। इंडिया रैंक 76th ऑन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसके अनुसार भारत का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का 76 रैंक है। तो अब इसमें सवाल उठता है कि इसको बनाया किसने स्टूडेंट। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने का जो श्रेय है वो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत जो है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के आधार पर 76 रैंक पर है, और इस रैंक पर ये जो रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई, इस रैंकिंग को देने का आधार क्या था, किस आधार पर ये रैंकिंग की गई, तो उसमें जो आधार था उसमें पहला आधार था हेल्थ या स्वास्थ्य। भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, इसके अलावा एजुकेशन, शिक्षा के मामले में भारत कहाँ पर है, और एजुकेशन में भी एक्सेस टू एजुकेशन, और थर्ड है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत किस रैंक पर है, टेक्नोलॉजी को भी इसमें एक आधार माना गया। फोर्थ आयाम जो लिया गया वो लिया गया वर्किंग कंडीशन, लोग किस कंडीशन में काम कर रहे हैं भारत में, वर्किंग कंडीशन को भी एक आधार बनाया गया। वर्किंग कंडीशन के बाद, वर्किंग कंडीशन के बाद जो पांचवा आयाम था, पांचवा आयाम जिसके आधार पर भारत को ये रैंकिंग मिली, दैट इज प्रोटेक्शंस एंड इंक्लूसिव, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो है पांच आधार बनाए गए थे, उस आधार पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को ये रैंकिंग दी। स्टूडेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हम जान लें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। तो ये स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक एनजीओ है, ठीक है। एक क्या है, एनजीओ है। इसको, इसका जो गठन है 1971 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका गठन 1971 में स्विट्जरलैंड में किया गया था, और इसके संस्थापक हैं, या फाउंडर हम कह ले, इसके संस्थापक हैं क्लॉस शॉप, क्लॉस शॉप ये इसके संस्थापक है। और इसका जो मोटो है, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मोटो है, कमिटेड टू इंप्रूविंग, कमिटेड टू इंप्रूव, इसका मोटो है कमिटेड टू इंप्रूव, कमिटेड टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसका मोटो है, और इसकी एनुअल मीटिंग होती है स्टूडेंट। 2020 में भी इसकी एनुअल मीटिंग हुई है, और इसके अलावा इसने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट तैयार की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में, उसमें नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर कौन सी कंट्रीज थी। तो स्टूडेंट इसी में हम लिख लें, नंबर 1 पर, या इसमें लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर डेनमार्क, नंबर 1 पर डेनमार्क, नंबर 2 पर नॉर्वे। इन सभी का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है फिनलैंड, फिनलैंड के बाद फोर्थ पे है स्वीडन, और स्वीडन के बाद आइसलैंड। तो ये पांच हमारी कंट्रीज हैं
जो कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 1 to 5 पर आती हैं। पांचवा स्थान है आइसलैंड का। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स का मतलब हुआ कि हमारे लोग जो है सोशली सामाजिक रूप से कितने मतलब कितने जागरूक हैं, ठीक है। तो उस आधार पर इंडिया की जो है रैंकिंग अच्छी रैंकिंग है, इतनी बुरी रैंकिंग नहीं कही जाएगी। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, वर्टिकल डिवोल्यूशन रिड्यूस्ड फ्रॉम 42% to 41%। तो ये जैसा आप देख रहे हैं 15वां वित्त आयोग, हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन या 15वें वित्त आयोग ने क्या किया कि केंद्र के द्वारा जो राज्यों को करों का हिस्सा दिया जाता है वो 42% से 41% कर दिया गया, ठीक है। तो 14वें वित्त आयोग में 42% दिया जा रहा था, जिसको कम कर करके 15वें वित्त आयोग में इसको 41% कर दिया गया। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है क्या, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन है केंद्र और राज्यों के संबंध को बताता है। ये क्या है, फेडरल फाइनेंस, इसको हम कहते हैं फेडरल फाइनेंस, फेडरल फाइनेंस या संघीय वित्त व्यवस्था। संघीय वित्त व्यवस्था क्या है कि जितने भी कर होते हैं, जितने भी करों का हिस्सा आता है केंद्र सरकार के पास, जो भी कर का कलेक्शन होता है, उसमें से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देती है। मान लो इनके पास 100 रुपये पूरे कलेक्शन हुआ, 100 रुपया इनके पास कर का कर जमा हुआ, ठीक है, किसके पास, केंद्र सरकार के पास, है ना। वहां से केंद्र सरकार सभी राज्यों को करों का कुछ हिस्सा देती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन या वर्टिकल डिवोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर विभाजन या वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो इन इन जो ये राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, इनको भी उस ये जो सरकार ने दिया है, शेयर दिया है करों का, अब इन राज्यों के बीच उसको कैसे बांटना है। मान लो कि अभी 41% कर दिया, मतलब 100 में से 41 रुपया सरकार ने स्टेट्स के लिए दिया है कि स्टेट्स के बीच में बांट देना है। तो स्टेट्स को किस स्टेट को कितना देना है, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो डिसीजन किया जाता है किसको कितना देना है स्टेट्स के बीच में, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिविजन, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या क्षैतिज विभाजन, या क्षैतिज विभाजन, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन या ऊर्ध्वाधर विभाजन, और राज्य सरकार के द्वारा जो सबके बीच में बांटा गया तो उसको हम कहते हैं क्षैतिज विभाजन, ठीक है। अब देखो इसमें जो है किस वित्त आयोग ने कितना करों का हिस्सा दिया था, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हम 11वें वित्त आयोग का देखें, 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, और अभी जो हमारा लेटेस्ट है 15वां वित्त आयोग। और यहाँ पे हम रखते हैं करों का हिस्सा, करों का हिस्सा, ये आपको याद रखना चाहिए कि किस वित्त आयोग में कितना दिया गया था। तो देखो जो हमारा 11वां वित्त आयोग था, इसने दिया था, मान लो इसको हम 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें, 40 रखें, ठीक है। ये हमारा 10 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 30 है। तो 11वें वित्त आयोग ने 29.5, मतलब करीब करीब हम यहाँ पर थे, 29.5% 100 रुपये में से 30 रुपया लगभग केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों में बांटने के लिए दे देती थी जब हमारा 11वां वित्त आयोग था। 12वें वित्त आयोग में इसको बढ़ा करके 30.5 कर दिया गया, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले हिस्से में वृद्धि कर दी गई, इसको बढ़ा के कर दिया गया 30.5। 13वें वित्त आयोग ने इसको और भी बढ़ा दिया, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकारों को हिस्सा दिया जाता था वो 32% कर दिया गया। धीरे धीरे राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से में वृद्धि की गई, है ना, 32%। उसके बाद 14वें वित्त आयोग ने इसको और भी बढ़ा दिया और उसको कर दिया 42%, ठीक है, 40% से भी ज्यादा। विभिन्न आयोग आते गए, उन्होंने सजेशन दिया अपने अपने सजेशन के आधार पर, सरकार ने
जो राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा है उसको 42% कर दिया, मतलब 100 रुपए में से 42 रुपया सरकार दे देती थी। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, 1% की इसमें कमी कर दी। तो इसको, ये हमारा करंट अफेयर है कि राज्यों को दिए जाने वाले करों के हिस्से में 1% की कमी कर दी गई और कर दिया गया 41%, राइट। तो धीरे धीरे देखो इसमें वृद्धि हुई थी, 29 से 30, 30 से 32, 42, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसको 1% से कम कर दिया, राइट। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भाई ये जो विभाजन किया गया है इसमें किस आधार पर कितना विभाजन किया गया है इसको हम देख लें। तो देखो 15% जो है ये 15% है, ये भी 15% है। 15% जो है आपका पॉपुलेशन के आधार पर, 15% जो आपका है वो है पॉपुलेशन के आधार पर। फिर अगला 15% जो है वो स्टेट एरिया के आधार पर, स्टेट एरिया के आधार पर। और 10% जो है वो फॉरेस्ट कवर, 10% जो है वो फॉरेस्ट कवर के आधार पर। और 12.5% जो है, 12.5% जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के आधार पर। पॉपुलेशन हो गया आपका 15%, एरिया हो गया 15%, उसके बाद फॉरेस्ट कवर हो गया 15%, अच्छा 45%, ये बड़े वाले पोर्शन को मैं ले लेती हूँ, 45%, 45% जो है इनकम डिस्टेंस के आधार पर, 45% इनकम डिस्टेंस के आधार पर एलोकेट किया गया, ठीक है। और 12.5%, ये क्या है, 10%, 10%, 15%, सॉरी 15%, 15%, 10%, और ये जो है आपका एक और 15, 12.5%, 12.5%, 12.5% जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के आधार पर, है ना, जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल के आधार पर अलोकेट किया गया, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो 12.5, ठीक है, अच्छा ये आपका 12.5 हो गया। 12.5 के बाद 2.5% जो है, 2.5, 2.5% दिया गया टैक्स एफर्ड के आधार पर, ठीक है, लगभग हो गया ये, इसको आप निरस्त कर दीजिए, ये यहाँ पर इसी एरिया में हम ले आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा दिया गया 45% इनकम डिस्टेंस के आधार पर, है ना, मतलब जिस राज्य की इनकम कम है उसको ज्यादा अलोकेट किया गया, और मात्र 2.5% दिया गया टैक्स एफर्ट के आधार पर, जिसको लेकर के काफी राज्यों के बीच में हंगामा भी हुआ था कि भाई टैक्स एफर्ट के आधार पर आप मात्र 2.5% दे रहे हो 15वें वित्त आयोग में। तो साउथ इंडिया का कहना, साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ने इस पे स्ट्राइक किया कि हम लोग करों का संग्रह ज्यादा करते हैं लेकिन कर के संग्रह के आधार पर मात्र आप 2.5% दे रहे हो, और पॉपुलेशन के आधार पर आप 15% दे रहे हो जिसको कि कम किया जाना जरूरी है। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर के काफी बहस चली, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है, और यहाँ पर पूरा पूरा विकास तभी कहा जाएगा जब पूरे इंडिया का विकास हो। तो सरकार एक पेरेंट्स की तरह है जिसको सारे ही राज्यों को देख करके चलना पड़ता है, इसलिए सरकार ने जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर इतना ज्यादा दिया हुआ है, और जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर 12.5% सरकार ने अलोकेट किया है। तीसरा है कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अनुसार क्या चीजें हुई है। तो अब इस संशोधन के अनुसार अब जितने भी सहकारी बैंक हैं, कॉपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक जितने भी हैं, वो पूरी तरीके से आरबीआई के कंट्रोल में आ जाएंगे, आरबीआई के नियंत्रण में। अच्छा तो आप बोलोगे कि भाई अभी तक सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में था, तो इस पे दोहरा नियंत्रण चलता था, सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण चलता था। जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनकी क्या संरचना है,
सबसे ऊपर जो है हमारा वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके बीच में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, और सबसे नीचे निचले स्तर पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती है। यही होता है ना सहकारी बैंकों की संरचना। तो सरकार ने इसमें जो है हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है इनका ड्यूअल कंट्रोल था, इनका दोहरा नियंत्रण चलता था। एक तो आरबीआई भी नियंत्रित करती थी और दूसरा चुना गया रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार चुना जाता था वो भी इसका मैनेजमेंट देखता था, चुना गया रजिस्ट्रार। आरबीआई क्या देखती थी भाई, तो जो बैंकिंग कार्य प्रणाली है कॉमर्शियल बैंक की, जो बैंकिंग कार्य प्रणाली है उसकी देखभाल आरबीआई करती थी कि बैंकिंग कार्य प्रणाली इनकी कैसी है। और जो चुना गया रजिस्ट्रार होता है कॉमर्शियल बैंक कॉपरेटिव बैंकों का, उनका काम होता है भाई रजिस्ट्रेशन का काम देखना, मैनेजमेंट का काम देखना, ठीक है, प्रबंधन का काम देखना, ये सारी चीजें चुना गया रजिस्ट्रार करता था। मतलब सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण था, लेकिन सरकार ने कैबिनेट ने इसको अमेंडमेंट कर दिया। अब इसके अनुसार पूरी तरीके से सहकारी बैंक जो है वो आरबीआई के अंतर्गत आ गया है, और ये जो ड्यूअल कंट्रोल था वो ड्यूअल कंट्रोल खत्म हो गया है। इसके लिए सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंजेस किए हैं। और जो लास्ट है वो है स्टूडेंट, आपने सुना होगा निर्विक स्कीम, आपने बजट देखा होगा 2020-21 का, उसमें आपने सुना होगा निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम क्या है, निर्विक योजना। निर्विक योजना देखो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित योजना है, इसको आपने बजट में सुना होगा। जब भी हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना होता है, मान लो कि ये यूएसए है और ये क्या है, ये है इंडिया, ठीक है, यूएसए और इंडिया के बीच में व्यापार हो रहा है। लेकिन व्यापार के टाइम में जैसे अभी COVID-19 आ गया, हमने अपना सामान यहाँ से भेज दिया था, एक्सपोर्ट कर दिया था यूएसए के लिए, लेकिन जब तक हमारा सामान यूएसए पहुंचा तब तक कोरोना वायरस का अटैक हो गया, अर्थव्यवस्था सारी परेशान हो गई है ना, उथल पुथल मच गई, तो हमारा हमारा तो लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारा गुड्स क्या है, रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसके लिए बीमा कराया जाता है, ठीक है ना, सरकार के बीमा कोई भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनीज भी करती है और सरकार भी करती है, बट जनरली सरकार अगर बीमा करती है तो वो बहुत ही सुरक्षित होता है। और सरकार के तरफ से जो एजेंसी है बीमा की वो है ECGC, ठीक है, ये सरकारी कंपनी है जिसका पूरा नाम है स्टूडेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये जो सरकारी कंपनी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका काम क्या है, जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसको बीमा करती है, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उसको बीमा कवर देती है, लेकिन इसके द्वारा सिर्फ 60% का एक्सपोर्ट लॉस कवर किया जाता है, इसके द्वारा सिर्फ 60%। अगर आपने 100 रुपये का सामान भेजा है तो 60% ये लॉस कवर करता है, कौन, ECGC कंपनी, निर्यात बीमा करने वाली कंपनी। इसलिए सरकार के द्वारा निर्विक स्कीम लाई गई। निर्विक स्कीम क्या है, निर्विक स्कीम के तहत 90% बीमा कवरेज मिलेगा, 90% बीमा कवरेज मिलेगा, जिसका पूरा नाम है निर्यात ऋण विकास योजना। निर्विक स्कीम का पूरा नाम है निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक है स्टूडेंट। तो निर्विक स्कीम के आने के बाद ये जो बीमा कवर था वो 60 से हो गया है 90%। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और ये इसलिए लिया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात को वृद्धि मिले, और निर्यात के बढ़ने पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित हो। स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, और ये हमारा इनिशिएटिव नंबर, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था हमारे करंट अफेयर का। इसके बाद पार्ट 3 के साथ मैं दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ, के लिए थैंक यू।